नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडोल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोगों को लाइव मार्केट में मेरा जो बाय सेल लेवल्स है और चार्ट है उसका हिसाब से मैंने आज आप लोग को लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। मार्केट बाई लेवल आने के बाद या सेल लेवल आने के बाद कितना मैच होता है, कितना दूर जाता है, कैसे परफॉर्मेंस करता है मेरा चार्ट स्ट्रैटेजी और बाय सेल लेवल्स। जो स्किन बाय सेल लेवल कम स्किन है जो मैंने फाइल में रिकॉर्ड से सॉरी फाइल में बना के रखा हूँ तो आप लोग को वो दिखाऊँगा। तो पहले देखते हैं, पहले बाय सेल लेवल्स देख लेते हैं। देखिए मैंने निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स देखता हूँ, ठीक है। तो निफ्टी इंडेक्स अभी निफ्टी का बैंक निफ्टी का इंडेक्स चल रहा है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स चल रहा है 666। आप लोग उसको देख देख सकता है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स चल रहा है। शायद अपडेट नहीं हुआ, देखता है एक बार फिर उसका लास्ट प्राइस। हाँ, इसका लास्ट प्राइस एक बार बैठा देता है 696। इसका लास्ट प्राइस चल रहा है 18,696, ठीक है दोस्तों। और इधर फ्यूचर्स का जो चल रहा है, फ्यूचर्स का जो चल रहा है 703.6904, 703 और 691। इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया था। एक मिनट दोस्तों, मेरे को थोड़ा सा अपडेट करना, मैंने पहले अपडेट कर दिया था उसके बाद फिर मार्केट का मूवमेंट आ गया है तो इसीलिए थोड़ा सा फिर से अपडेट करना पड़ रहा है। ठीक है, ओके। तो देखिए मैंने लेवल्स पहले कंपेयर कर लूँगा। इधर 8553 के ऊपर बाई है तो इधर बाई दिखाता है, तो इधर अभी चल रहा है कितना। मैंने निफ्टी को पकड़ के देख लेता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने पॉज कर करके दिखाऊंगा आप लोग को, मैंने पहले आप लोग को लेवल दिखा देता हूँ उसके बाद। ये अभी 86.21 चल रहा है, ठीक है निफ्टी। तो मेरा जो अगला वाला लेवल आएगा 8649, ठीक है 8649। और बैंक निफ्टी का फ्यूचर का बैंक निफ्टी का 18,895 ये है एक एक सिनेरियो। और इधर सेल होगा 8689 और 18,364, ठीक है।
और इधर और भी लेवल देखता है कौन सा लेवल पे करूँगा, तो आप लोग को दिखा देता हूँ। ये 8521, तो 8549 के ऊपर, 8649 के ऊपर मैंने बाई करूँगा, या इधर दिखा रहा है 8661, तो ठीक है इधर इसके ऊपर मैंने बाई करूँगा। और इधर उधर और भी लेवल देख लेता है, मैंने सभी लेवल कंपेयर करके तब आप लोग को समझ में आ जाएगा को इसको ये फाइल कैसे इफेक्टिवली काम करता है और कैसे किस ये फाइल लेके काम करना है। तो इसीलिए ये मकसद ये है कि आप लोग को ये दिखाने के, यही मकसद है मेरा। तो इधर देखिए इसका गन का लेवल क्या दिखाता है, 8591 और 8610 का लेवल तो चला गया, 8633 के ऊपर बाई हो सकता है, और इधर सेल हो सकता है 8575 के नीचे, और इधर गन्स पर अप लाइन तो इधर इधर पर चला गया 8614 पर 8623 8636 का लेवल पे बाई हो सकता है, और इधर 8583 के नीचे सेल हो सकता है, और मुरेस का लेवल में देखिए 8625 का लेवल तो चला गया और 8649 के ऊपर बाई हो सकता है। ठीक है इधर ये लेवल दिखाता है, और भी लेवल्स मैंने कैलकुलेट करके रखा हूँ। ये जो 45 डिग्री का जो एनालिसिस है वो दिखाता है 8635 के ऊपर बाई करने के लिए, तो लगभग जो कंपेयर करके दिखता हूँ को 8649 के ऊपर बाई हो सकता है। और देखिए भाई से आज ये जो मैंने एक नया लेवल बनाया हूँ ये 8623 के ऊपर बाई हो सकता है, 8660 तक जा सकता है, लेकिन मैंने 8649 को ही पकड़ता हूँ, और उसको 18600 के ऊपर वो बाई कर सकता हूँ। और इस लेवल को एक बार देख लेता हूँ, इधर से मैंने बहुत सारा लेवल्स बना के रखा हूँ। इधर देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी का जो दिखाता है इसका, और ये में क्रॉस ओवर फ्यूचर को ये में क्रॉस ओवर दिखाता है 926, और इधर से RSI इसका जो दिखाता है 44 और 34, मतलब ऊपर वाला लेवल में है RSI। और इधर स्टोकास्टिक भी दिखाता है 56 और 35, और बोलिंजर बैंड का ये मिडिल बैंड का ये बहुत ही नीचे है। ठीक है बोलिंजर मिडिल बैंड का ये नीचे है, फिल्मर चैनल का नीचे है, इधर प्राइस चैनल दिखा रहा है, और इधर और भी कुछ इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं इसमें, और इसका वैल्यू भी देख लेते हैं एक बार। इधर ट्रायंगुलर मूविंग एवरेज का नीचे है, मूविंग एवरेज चैनल को भी एक बार देख लेंगे। कमोडिटी चैनल इंडेक्स पॉजिटिव दिखा रहा है, सॉरी कमोडिटी चैनल इंडेक्स अभी भी नीचे दिखा रहा है, और इसका वेटेज क्लोज प्राइस है 8091 और 900 के ऊपर ही है इसका है, और इधर भी बाई हो सकता है। इधर संडे में मोमेंटम ऑसिलेटर एक्चुअली 50 के ऊपर जाना पड़ेगा, और मूविंग एवरेज का जो है ये लोअर चैनल क्रॉस करेगा 8643 और 20275। ठीक है उसको देख लेता है, इसका गन लेवल्स एक बार देख लेता है। इधर जो गन लेवल्स है ये 8644 या 649, घुमा फिर 8649 और 18759 इसका लेवल आ रहा है, और नीचे 8575 पकड़िए। सब लेवल कंपेयर करके मैं जो देखता हूँ 18666 का नीचे इसका सेल हो सकता है। तो इसका और भी लेवल्स देख लेते हैं एक बार, इसका और भी लेवल्स जो है दिखाना दिखा देता हूँ। इधर और भी लेवल्स है, इधर तो स्ट्राइकिंग रेंज रेंज के ऊपर बेस्ट करके 8319 8319 के ऊपर बाई हो सकता था, एक तो अभी 10,800 तक भी ज़्यादा ही दिखा रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, ये इधर भी थोड़ा सा 8688 दिखा रहा है, इधर
सेवन के एच के रूप में देखने को मिलता, और तो बाद में आएगा मैंने हम लोग 8649 या 8644 या 8636 के ऊपर बाई कर सकता है, और 8575 के नीचे हम लोग सेल कर सकता है निफ्टी को, और वह निफ्टी को 18830 के ऊपर बाई कर सकता है और 18666 के नीचे सेल कर सकता है। तो देख लेता है एक बार फिर सभी लेवल और भी लेवल्स हैं इसका कंपेयर करके एक बार देख लेते हैं। और इसके बाद वैसे लेवल इधर तो हो गया इधर देखता है 867 ये दिख रहा है, 8678 एक लेवल दिख रहा है, और इधर 8495 इतना नीचे है, और ऊपर एक माइन में वाई नहीं करूँगा इसके ऊपर ही करूँगा 8608 का, नहीं तो 8627 का लेवल मिलेगा तो वाई कर लूँगा, नहीं तो 8644 का लेवल मिलेगा तो वाई करूँगा, नहीं तो 8686 के ऊपर वाई करूँगा, 8644 निकल जाएगा तो 8686 के ऊपर वाई हो सकता है। और उसी का टाइम आप लोग 3:24 और इधर 8578 मतलब 8575 के नीचे ही वाई दिखा सेल दिखा रहा है, और इधर बैंक निफ्टी 18670 के नीचे और बाई हो सकता है, इधर इधर दिख गया 8644 के ऊपर, इधर जो 8644 दिखा रहा है उसका हिसाब से बैंक निफ्टी बाई करना पड़ेगा। और उन्नीस हज़ार ग्यारह नहीं बैंक निफ्टी का देखता है, बैंक निफ्टी का काम कितना चल रहा है अभी जो चल रहा है कितना, और 8636 इस लेवल पे सोच लीजिए बाई कर लिया ठीक है, उसके बाद देखता है 8643 ना इधर से बाई नहीं करूँगा, 8644 के ऊपर जाएगा तो तब बाई करूँगा, और बैंक निफ्टी इस टाइम कितना चल रहा है देख लेता है एक बार, उसका लेवल देखना पड़ेगा करूँगा जिसका हिसाब से इसको बाई करूँगा। आप लोग को मतलब ये भी दिखा दूँगा क्या बोलता है ऑप्शन ऑप्शन भी दिखा दूँगा इसका ऑप्शन कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का, हज़ार 675 चल रहा है तो इसका जो नया जो लेवल है 18675 इसका जो नया लेवल है उसमें से ही बाई करूँगा उसको। अठारह हज़ार 826 के ऊपर बाई हो सकता है, मेरा प्रॉब्लम आ रहा है कुछ नेटवर्क देखिए ठीक होगा ये से हो रहा है। इधर देखिए नीचे आ गया तो इधर 8644 या 8649 के ऊपर बाई हो सकता है, बेस्ट होगा 8649 के ऊपर बाई करना। बैंक की देखिए नीचे आ गया है, नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है तब भी पता चल रहा है, तो इधर बैंक निफ्टी 460 इसका बाई हो सकता है, इसका जो ये कितना हाई हुआ क्या था ये 18739 इसका हाई था, इसका हाई था 18739, तो इसका ऊपर वाला जो लेवल है 18739, तो इधर 739 इसका 18747 के ऊपर बाई हो सकता है इसका ठीक है, 18747 और 8649 के ऊपर बाई करूँगा। तो इधर चार्ट में भी ऐसा दिख रहा है, चार्ट भी अगर देखना लीजिए तो जब लेवल आएगा तब आप लोग कुछ भी बाई लेवल या सेल लेवल तब आप लोग को फिर से मिलूँगा, तो तब तक के लिए मैंने वीडियो थोड़ा सा पॉज करके रखूँगा ठीक है। इधर
इधर चार्ट में भी दिखा रहा है 8642 के ऊपर बाई करना चाहिए, इधर एटलीस्ट 8644 42 के ऊपर एटलीस्ट बाई करना चाहिए। तो जब लेवल आएगा तो आपको अधिकारियों को दिखाऊंगा, और जो नीचे वाला लेवल है इधर इधर भी आप लोग को दिखा दूंगा, जब नीचे कुछ लेवल आएगा चार्ट में भी दिखाऊंगा, और उसके बाद कितना चेंज हो रहा है वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। तब तक के लिए मैंने थोड़ा सा पॉज करके रखता हूँ। नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी देखिए 18600 चल रहा है, 18592 के नीचे इसको सेल किया जा सकता है। तो 18592 के नीचे हम लोग सेल करेंगे, और इधर आप लोग पी जो है ऑप्शन का उसको भी आप लोग बाई कर सकते हैं, इसका सोचिए 18800 पी को आप लोग बाई कर सकता है। और निफ्टी का अभी सेल लेवल आने के देर है 8575, एक बार देख लेते हैं निफ्टी का कितना चल रहा है। 8575 के नीचे हम लोग सेल करेंगे। निफ्टी अभी 8619 चल रहा है, बैंक निफ्टी फिर से आप चला गया, ठीक है। इसको बाई बाई का लेवल आप लोग को दिखा दिया था, निफ्टी को 8644 में बाई करूँगा, और इसका 18747 के ऊपर बाई करूँगा, बैंक निफ्टी को 18747 के ऊपर बाई करूँगा। ठीक है, मैंने लेवल आ रहा था इसलिए ऑन किया, तो फिर से मैंने पास करता हूँ, तो फिर से उपला गया। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांग मंडल फिर से हाजिर हूँ। बैंक निफ्टी को मैंने 18747 के ऊपर बाई किया है, तो आप देखते हैं कितना दूर वो ऊपर जा सकता है, और निफ्टी को भी बाई कर लिया 18049 से, और इसका ऑप्शन भी आप लोग नोट कर सकते हैं। निफ्टी का बैंक निफ्टी का 562 चल रहा है, 548 चल रहा है, और बैंक निफ्टी का सीरीज चल रहा है 220, तो देखते हैं आप लोग 30 पॉइंट स्टॉप लॉस मान के चल सकता है, ये कितना ऊपर जा सकता है एक बार देख लेता है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा ऐसे ही लगता है, इससे पास कर लेता हूँ। तो देखिए नमस्त दोस्तों, 866 की ऊपर गया है निफ्टी, और इसका देखिए इधर 562 से 592 हुआ है, और निफ्टी इसका सी भी इधर कितना बढ़ा है आप लोग भी चेक कर सकते हैं। इधर 600 हो गया, इधर 230 हो गया, आप लोग भी चेक कर सकता है। निफ्टी 8662 ऊपर चला गया, और बैंक निफ्टी भी शायद 800 हो गया, वह चेक करना पड़ेगा, 18800 हो गया शायद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 18795 ही चल रहा है, शायद 800 मार दिया था। इधर आप लोग एक बार प्रॉफिट बुक कर सकता है ऑप्शन चेन में, ऑप्शन में इधर 600 ऑलरेडी 40-50 पॉइंट इस बार प्रॉफिट आ गया है, और निफ्टी में भी एटलीस्ट 20-25 पॉइंट आ गया है, 222 या 221 था, 14 पॉइंट प्रॉफिट आ गया है। तो इधर आप लोग एक बार प्रॉफिट बुक कर ले सकते हैं। तो फिर से पास करता हूँ दोस्तों, फिर से कुछ ले। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इधर निफ्टी 8670 हाई हुआ था, और मतलब कितना से मैंने 8649 से मैंने बोला था, और इधर बैंक निफ्टी मैंने 18747 से आप लोग को फिर से लेवल पर दिखा देता हूँ, 18840 तक ये अभी तक दिया है। तो देखिए इधर से जो लेवल मैंने सभी लेवल कंपेयर करके जो लेवल मैंने दिखाया था आप लोग को, इधर देखिए बैंक निफ्टी का जो लेवल था
देखिए 8644 का लेवल था निफ्टी का, ठीक है। तो मैंने 8649, क्योंकि मैंने पिछले वाला लेवल भी आप कंपेयर करके मैंने 8649 पकड़ा था, उसको सेफ लेवल है उसका। और बैंक निफ्टी का देखिए, उस टाइम मैंने बोला था आप लोग को 18747 का लेवल, इधर से मैंने बैंक निफ्टी को उस समय 18696 चल रहा था, और सेल का लेवल भी आप लोग को दिखा था 18592। तो इसका नेक्स्ट लेवल देखिए इधर 8644 से ये 8686 के ऊपर फिर से कुछ लेवल आ सकता है। और बैंक निफ्टी ऑलरेडी 840 हो गया है, तो इधर 878 के ऊपर फिर से ये ऊपर जा सकता है। तो इससे मैंने पास करते हैं उसका जब लेवल आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल फिर से हाजिर हूँ। तो देखिए, मैंने अभी जो बोला था 8686 इसका फर्स्ट नेक्स्ट टारगेट आएगा, ऑलरेडी 8684 हाई हुआ है। और बैंक निफ्टी का जो है 18878, उसके बाद 1911, ये दोनों में ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। वो ऊपर जाएगा तो ये और भी ऊपर जा सकता है। तो देखता है एक बार मार्केट में। देखिए 8676 हुआ है और बैंक निफ्टी कितना हाई हुआ है। बैंक निफ्टी कहाँ है एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का 853 तक आ गया था, फर्स्ट आया नहीं है, 878 अभी तक आया नहीं है 840 के बाद। तो देखता है बाद में फिर से जब लेवल आएगा आप लोग के पास आऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं देखिए इधर 8686 क्रॉस हुआ है, किया है 8690 हुआ है। इसलिए नेक्स्ट टारगेट जो आ सकता है 8729 इसका नेक्स्ट टारगेट आ सकता है, ये 8729 आ सकता है। और बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी का कितना किया है। देखिए 18927 हो गया है, तो 19011 में ये मतलब सपोर्ट ले सकता है।
मतलब रेजिस्टेंस ले सकता है 18,878 क्रॉस करने के बाद, ये 18,941 अभी आया है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए फिर से मैंने ये चाहता हूँ आपसे आप लोगों से। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल फिर से हाजिर हूँ। 18,729 मैंने बोला था फर्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट आ सकता है, तो 18,719 अभी तक मारा है, तो 18,729 टच हो सकता है। उसका अपर लेवल जाएगा तो इसका अपर लेवल में 18,747 एक्सपेक्ट कर सकता है। तो देखते हैं, और बैंक निफ्टी का एक बार देख लेता है, बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है। बैंक निफ्टी बोल रहा है 18,994, तो उसका ऊपर लेवल था एक्चुअली 19,011, फर्स्ट लेवल था 19,011, 18,878 क्रॉस किया उसके पास 19,011, ऑलरेडी 18,994 ये हाई हुआ है। देखते हैं क्या होता है, फिर से अपडेट दूंगा आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल। तो आप लोग देख सकता है कि इधर आप लोग बैंक निफ्टी को देख सकता है, ये 28,829 से टच किया है फर्स्ट टारगेट। इसके बाद ये 28,029 को ये क्रॉस करेगा तो 28,747, उसके बाद 28,791 इसका लेवल तक। आप लोग को ऑलरेडी भाई से मेरा जो फाइल है उधर से लेवल से दिखा दिया है आप लोग को। तो दिखाने का मकसद यह है कि इसका आप लोग कैसे यूज़ करें, मतलब कंपेयर कर लेना चाहिए, हर एक लेवल को कंपेयर कर लेना चाहिए। उसके बाद जो सब इसका बहुत सारे इंडिकेटर्स भी आप लोग देख ले सकते हैं, कहाँ पर पोजीशन है क्या है, तो उसका हिसाब से आप लोग ट्रेड कर सकता है। और मेरा भी गाइडेंस रहेगा, और आप लोग को कहाँ पर कौन सा लेवल पर एंट्री लेना है, कौन सा लेवल से एग्जिट करना है, कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, तो आप लोग इधर से देख सकता है। 28,828 चल रहा है, 29 अभी तक क्रॉस नहीं किया है, 29 को जस्ट टच किया है। ठीक है दोस्तों, अभी पॉज करता हूँ, लास्ट में दिखा दूंगा मार्केट क्लोज होने के बाद। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी इधर 18,747 फर्स्ट टारगेट हो गया है, इसके ऊपर ये 18,791 तक जा सकता है, लेकिन अभी टाइम बहुत ही कम है। इधर से फिर इसका सपोर्ट लेकर नीचे आ सकता है। इसका जो नेक्स्ट का लेवल था, मतलब इधर आप लोग ट्रेल कर सकता है, इधर से आप लोग ट्रेल कर सकता है। इधर जो नेक्स्ट लेवल था 18,838, इसके बाद 18,086 तक आप लोग प्रॉफिट ट्रेल कर सकता है, नहीं तो 18,791 के लिए आप लोग पकड़ सकता है, 60-70 एटलीस्ट आ सकता है। तो देखते हैं, और बैंक निफ्टी का जो गया था 18,994 उसका हाई था, 19,011 इसका नेक्स्ट लेवल था, वो आया नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल फिर से हाजिर हूँ। देखिए, मैंने बोला था 18,791 के ऊपर 18,891 हो सकता है, तो ऑलरेडी 18,780 तक ये हाई दिया है, तो आप लोग होपफुली इधर ही प्रॉफिट बुक हो सकता है। तो ऐसे करके देख सकता है आप लोग कैसे लेवल मैच कर रहा है। तो धन्यवाद, फिर से बाद में मिलेंगे। आप इधर ही वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत ही लंबा वीडियो हो गया है। धन्यवाद।